ये लोग कौन हैं? पहले कभी नहीं देखा मैंने इनको। शिरडी के लोगों को कुछ पाठ पढ़ाने आए हैं। पाठ? कैसा पाठ? जैसे आप पढ़ाते हैं या गुरुजी? पाठ तो हर कोई पढ़ा सकता है लक्ष्मी, अभी हम पर निर्भर करता है कि हम किसी से क्या सीखते हैं। सिद्धियों से सशक्त, जगत का कल्याण करने वाले, कष्ट विनाशिनी, परम पूजनी बुआ जी। आप लोगों का शिरडी में कैसे आना हुआ? ये मेरे इष्ट देवता हैं। 20 वर्ष पहले मेरे सपनों में आके दर्शन दिया इन्होंने। ये मुझसे बात करते हैं और लोगों की परेशानियों का समाधान बताते हैं। मृत्यु के मुंह से लौटा काशीरा, वो जो ना बोल सकती थी ना सुन सकती थी, वो मौनी और एक कुष्ठ रोगी भी था। कुष्ठ रोगी तो गांव के बाहर के लोगों को भी पता था, लेकिन काशीराम और मौनी इनके बारे में कैसे पता? मेरे इष्ट देव सब बता रहे हैं मुझे। उन्होंने ये भी कहा कि जाओ शिरडी, जाओ शिरडी पर आने वाले भारी संकट से तुम ही उन्हें बचा सकती हो। प्रमाण चाहिए? एक लोटा पानी मिलेगा? ये उस रक्त का प्रतीक है जो जल्द ही शिरडी में बहने वाला है। बिना मांगे हम मदद नहीं कर सकते, लेकिन अगर शिरडी चाहेगी तो हम मदद जरूर करेंगे। हमारे इष्ट देव की कृपा से हम ये कर सकते हैं। आज से हम यही डेरा डाल रहे हैं। जो भी अपने कष्टों से मुक्ति चाहता है हमारे पास आ सकता है। माई, माई भिक्षा दे माई। ये जगह डेरा जमाने के लिए सही है और गांव के बीचों बीच भी है। बच्चों इधर आओ।
शिरडी की भलाई करने के लिए हमारे इष्ट देव ने हमें आदेश दिया है कि हम अपना शिविर यहाँ लगाएं। तुम लोग कहीं और जाके खेलो, ठीक है? हम लोग रोज खेलते हैं यहाँ। अगर आपको रहना ही है तो शिरडी में और भी अच्छी अच्छी जगह है रहने के लिए। अरे बुआ जी की इच्छा में बाधा बनी है। शांति है, कितनी शक्तियाँ इनमें। साई, शिरडी वाले, वही तो ईश्वर का रूप है इस धरती पर। अच्छा, तो ये है वो चमत्कारी फकीर। इसे तो मैं संभाल लूंगी। ये बच्चे खेल रहे हैं, इन्हें मत डराओ। साई, मुझे मेरे इष्ट देव ने बताया था तुम्हारे बारे में, गरीबों की मदद करने वाला फकीर। कहाँ है? ये सिंदूर की रेखा देख रहे हैं आप? इसी दिशा में सीधा चले जाइए, जहां रास्ता खत्म होगा वहां एक पेड़ दिखेगा। उसी पेड़ के नीचे वो मिलेगा जिसे आप ढूंढ रहे हो। जाओ, देख क्यों ये सत्य कह रही है या नहीं, और यदि सत्य ना हुआ तो चोरी के लिए तुम तीनों को दोषी समझा जाएगा और इसका दंड बहुत बुरा होगा। प्रियोम। क्या सोच रहे हो? ईश्वर ने संकट इसलिए बनाया है ताकि उनका सामना कर करके हम और मजबूत हो सके, हमारी आस्था बढ़े, हमारे पापों का पश्चाताप हो, हम और अधिक मजबूत बन सके, संसार के लिए हमारी संवेदना बढ़े, हम और बेहतर इंसान बन सके। लेकिन लोग संकटों का सामना करना ही नहीं चाहते, और इन संकटों से बचने के लिए वो किसी भी ऐसे इंसान पर विश्वास करने के लिए तैयार हो जाते हैं जो उन्हें इन संकटों से बचा लेने का आश्वासन दे दे। यही फर्क है आस्था और अंधविश्वास में। आस्था हमें खुद पर विश्वास रखना सिखाती है, अपने जीवन की घटनाओं पर विश्वास करना सिखाती है, हमें दिखाती है कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें कहीं कुछ भला छुपा है। लेकिन अंधविश्वास हमें दूसरों पर विश्वास करना सिखाता है, हमें सिखाता है कि हमारे कर्म चाहे कैसे भी हों, उनके फल से बचने का रास्ता है, और यही अंधविश्वास
अधर्म का बहुत बड़ा मार्ग बन गया है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.